तो अब बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारी वीडियो सीरीज है, ये जेई और एमएसटी सीटी, जेई मैथमेटिक्स और एमएसटी सीटी में पीसीएम जो ग्रुप होता है मैथमेटिक्स, तो उसका ये वीडियो सीरीज है। और इस वीडियो सीरीज में हमने मैथमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 और मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। तो मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 में लिमिट कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है जो आपने 11th क्लास में पढ़े हो, और डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू जेई और सीटी के सिलेबस के हिसाब से। तो सीटी का तो टेंशन ही नहीं आप लोगों को, जो एमएसटी सीटी का जो टेंशन ही नहीं आपको, मान ली 12th का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, स्टेट बोर्ड का नो टेंशन, ठीक है, सीटी के एग्जाम में कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। तो अपन चालू करने वाले डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाद में हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, यहाँ पे हम जनरली स्लोप की बात करते हैं, स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ क्या बोला मैंने, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या, अदर क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इच कॉल, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इच कॉल, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जिस तरह हम बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप लोगों को पता है, यस होता है, यस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, तो टाइम, इसी को आप लोग ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाय डीटी, मतलब डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये थोड़ा मीनिंग है थ्योरेटिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट वन क्वांटिटी है, टाइम अदर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी आपका वेलोसिटी होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, इसका स्लोप का भी होता है, जैसे कि कोई कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है डिवाइड बाय डीएक्स, ठीक है, तो स्लोप को भी अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, इसके कुछ फार्मूले आप लोगों को याद रखना है, फार्मूले, इसके फार्मूले याद रखना है। तो फार्मूले में सबसे पहले इसका मीनिंग देख लो, अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देन इट्स डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, देन इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, इट क्या होगा, dy / dx होगा। तो देखो मैंने बोला अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है x का, तब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy / dx, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रहेगा, इसका मतलब dy / dx होता है, और f x का, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अभ्यास x होगा, ठीक है। इसी को पहले लोग dy / dx f ऑफ x लिखते हैं, तो इसी का मतलब क्या होता है, आपका अभ्यास x होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। अब इसके कुछ फार्मूले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके फार्मूले आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, फार्मूले की तरफ फोकस करना, फार्मूले, तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले बहुत के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फार्मूले की हम कैटेगरी करेंगे, अरिथमेटिक फार्मूले, लॉगरिथमिक फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फार्मूले में एक साथ में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा फार्मूले की, ठीक है, फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत क्या बहुत अच्छे से याद करना है फार्मूले, ठीक है, फार्मूले अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो पहले फार्मूला देखेंगे अपन, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक फंक्शन में कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले कॉन्स्टेंट देखेंगे, डी बाय डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है, तो जो चीज चेंज नहीं होती, जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जब चेंज होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो कांस्टेंट अकेला रहा तो जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ मैं एक्स से मान लूं तो फिर कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है तो कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में तो उसका जीरो नहीं होगा। कांस्टेंट क्या निकल जाएगा, कॉमन, एक्स का कितना हो जाएगा, वन, बोले तो के आएगा। अब एक्स का वन क्यों हुआ, अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो वाई का डिफरेंशिएशन वन होगा। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम कर रहे हो तो एम का डिफरेंशिएशन वन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का वन नहीं होगा, तो वाई का जन जस्ट क्या होगा, डिवाइड बाय डीएक्स होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, वाई का जस्ट क्या होगा, तो डिवाइड बाय डीएक्स होगा। चलो ये बात याद कर लेना, तो कांस्टेंट अकेला है तो जीरो, कांस्टेंट के साथ में एक्स है तो कांस्टेंट कॉमन एक्स का वन। थर्ड चीज क्या होगी, अगर आप डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का करते हो, देखो अल्जेब्रिक फंक्शन में बोला तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के साथ में कोई पॉलीनोमियल मतलब एक्स आएगा और एक्स की पावर एन होगा, तो एक्स की पावर एन, और इसका प्रूफ है, इसको प्रूफ करते बाय डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ये सब फार्मूले प्रूफ किया जाता है। अब हम वो प्रूफ की तरफ फोकस नहीं करेंगे, आपको रट ही लेना है फार्मूले, आपको फार्मूले रट ही लेना है, कांस्टेंट का जीरो, हाँ कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट के साथ में एक्स तो कांस्टेंट कॉमन एक्स का, मतलब केच होगा, और एक्स की पावर एन का पावर आगे आ जाएगा, पावर से एक कम, पावर आगे पावर से एक कम, ठीक है, ये भी याद रख लेना। फिर फोर्थ चीज, अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखना, अगर आप लोगों को एक्स की पावर फाइव का डिफरेंशिएशन करना है तो फाइव आगे एक्स की पावर फोर, अगर आपको डिफरेंशिएशन एक्स की पावर सेवन का करना है तो आंसर कितना होगा, सेवन आगे एक्स की पावर सिक्स, मतलब पावर से एक कम। अगर आपको डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस फोर का करना है, एक्स की पावर माइनस फोर, तो माइनस फोर आगे इससे कम, तो माइनस फोर से एक कम कितना होगा, माइनस फाइव होगा। देखो पावर आगे पावर से एक कम, तो फाइव से एक कम फोर, सेवन से एक कम सिक्स, माइनस फोर से एक कम माइनस फाइव, माइनस फोर से एक कम बोला तो माइनस फोर से एक कम तो माइनस फाइव होता है, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी चीजें याद रखनी, तो बस सर ने बोले थे पावर आगे पावर से कम तो माइनस थ्री, भैया माइनस थ्री बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आराम से लिखना, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल लिख दो इसको, इसको सेकंड एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। इसका थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला क्या है, तो पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ में एक्स, फिर एक्स की पावर एन, कांस्टेंट की पावर एक्स का एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि फाइव एक्स का फाइव होगा, सेवन एक्स का सेवन होगा। अगर आप एग्जाम्पल में देखते हो डेरिवेटिव किसका करते हो, सेवन एक्स का करते हो, तो आंसर कितना होगा, सेवन, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा। अगर 10x का करते हो तो कितना होगा, 10 होगा। 100x का करते हो तो कितना होगा, 100 होगा। फिर फोर्थ फार्मूला क्या है, ये फार्मूला देखो अच्छे से याद करो, 1 by x की पावर n, ये x की पावर n, ये 1 by x की पावर n, तो इसका फार्मूला होता है x की माइनस n, x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, इसमें क्या होता है पावर आगे आता है पावर से एक कम, इसमें क्या होता है माइनस n, x की पावर n प्लस 1। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप लोग डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, 1 by x की पावर 5 का कर रहे हो, 1 by x की पावर 5 का कर रहे हो, तो कितना होगा, माइनस 5 एक्स की पावर सिक्स होगा, मतलब पावर में एक ज्यादा होता है, पावर से एक कम, यहाँ पे पावर में एक ज्यादा, फाइव रहेगा तो माइनस फाइव अपॉन में एक्स की पावर सिक्स। अगर आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देखो अच्छे से, अगर आप लोग डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, वन बाय एक्स की पावर सेवन का कर रहे हो, तो माइनस सेवन एक्स की पावर एट हो जाएगा, याद रहेगा, ओके। और लास्ट अरिथमेटिक में लास्ट फार्मूला है, आप डिफरेंशिएशन रूट का करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स। आज के बाद याद रख लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाय टू रूट ऑफ एक्स, दोबारा इस एक्स का होता है लेकिन वन होता है, दोबारा इस एक्स का होता है लेकिन उसका वन होता है, इसलिए लिखते हैं, ठीक है। तो आज की बात याद रहेगा, अरिथमेटिक में पांच फार्मूले, कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट के साथ में एक्स है तो कांस्टेंट कॉमन एक्स का वन, एक्स की पावर एन का पावर आगे पावर से कम, वन बाय एक्स की पावर एन का माइनस एन, पावर में ज्यादा एक्स का पावर एन प्लस वन, और रूट एक्स का कितना होगा, वन बाय टू रूट एक्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अरिथमेटिक फार्मूले क्लियर। तो देखो एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले भैया फार्मूले याद होना जरूरी है, क्योंकि बिना फार्मूले के मैथमेटिक्स और फिजिक्स अधूरी है। तो फर्स्ट यू नो द फार्मूले, सबसे पहले क्या जरूरी है, फार्मूले भैया। और फार्मूले में सबसे पहले अरिथमेटिक फार्मूले हमने देख लिए, अरिथमेटिक फार्मूले में कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के साथ में एक्स, एक्स की पावर एन,
वन बाय एक्स के पावर एन और रूट ऑफ एक्स। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो पहला डिफरेंशिएशन देखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स हो गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किसका, डिफरेंशिएशन किसका, तो कॉस एक्स का, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तीसरा डेरिवेटिव किसका, सेक एक्स का। चौथा डेरिवेटिव किसका, कोसेक एक्स का। और बाद में डेरिवेटिव किसका, डिफरेंशिएशन किसका, टैन एक्स का, और डिफरेंशिएशन किसका, तो कॉट एक्स का। तो हमारे पास ऐसे छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस सेक कोसेक टैन और कॉट, तो ये दोनों भाई भाई, ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई और ये दोनों भाई भाई, ठीक है। तो साइन और कॉस का सिंगल सिंगल याद रखना, सेक और कोसेक का डबल डबल, और टैन और कॉट का स्क्वायर स्क्वायर। देखो 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 ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक अच्छे से याद करना। साइन और कॉस का सिंगल सिंगल, एक बार पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। तो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन का क्या बोला मैंने, कॉस, साइन का क्या बोला, कॉस, तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। देखो माइनस साइन, ये देखो दोनों सिंगल सिंगल, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। सेक का रिलेशन होता है टैन के साथ में, सेक का रिलेशन टैन के साथ में, तो इसका सेक इंटू टैन, देखो डबल डबल, देखो प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट में, ये सिंगल सिंगल ये प्रोडक्ट में, तो सेक का रिलेशन टैन के साथ में, तो सेक इंटू टैन, तो कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ में होगा, लेकिन माइनस में, माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स। ओके, तो मैंने बोला सिंगल सिंगल, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और ये स्क्वायर स्क्वायर, तो टैन का रिलेशन सेक के साथ में होता है, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट का कोसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस में, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया साइन और कॉस का सिंगल सिंगल, तो साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। सेक और कोसेक का डबल डबल प्रोडक्ट में, तो सेक का रिलेशन टैन के साथ में है, तो सेक इंटू टैन। कोसेक का, कोसेक के, कोसेक और कॉट के साथ में, तो कोसेक इंटू कॉट, लेकिन निगेटिव। टैन और कॉट का स्क्वायर स्क्वायर, तो टैन का सेक स्क्वायर और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। अब बात करो तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों को साथ में ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है इसमें पहला, अच्छा पहला फॉर्मूला कि आपको अगर डेरिवेटिव मैंने बोला लॉग एक्स का, तो आज के बाद याद रखना लॉग रहा तो वन बाय होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स। फिर इसमें दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर मैंने डिफरेंशिएशन बोला लॉग एक्स बेस ए का, लॉग एक्स बेस ए का, तो इसका वन बाय एक्स इंटू लॉग ए, ये याद कर लो, वन बाय एक्स इंटू लॉग ए, अगर बेस में ये है तो, ठीक है, वन बाय एक्स इंटू लॉग ए। फिर तीसरा फॉर्मूला भी एक्सपोनेंशियल का बता रहा हूँ, अगर आपको डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, ये है एक्सपोनेंशियल। देखो एक्स का पावर अगर वेरिएबल है, एक्स का पावर अगर नंबर है, तो वो अरिथमेटिक फंक्शन कहलाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर से कम। लेकिन अगर नंबर के ऊपर एक्स है, कोई नंबर है, नंबर कॉन्स्टेंट के ऊपर एक्स है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग डेरिवेटिव फाइव की पावर एक्स का करोगे, फाइव की पावर एक्स, तो फाइव से कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट के ऊपर एक्स, इसका क्या होगा, फाइव की पावर एक्स इंटू कितना होगा, लॉग फाइव, याद रहेगा पक्का। फिर इसमें चौदह फॉर्मूला है ई की पावर एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई होगा, यही फॉर्मूला होगा। लेकिन लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो लॉग ई की वैल्यू वन होती है, इसीलिए आप लोग याद रखना ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना, मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी याद रहेंगे कि साइन और कॉस का सिंगल सिंगल, सेक और कोसेक का प्रोडक्ट में, टैन और कॉट का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। फिर लॉग का वन बाय एक्स, लॉग एक्स बेस ए का वन बाय एक्स इंटू लॉग ए, और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ओके, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा फास्ट देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में क्या क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में इसमें भी छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, टैन इनवर्स एक्स,
डिफरेंशिएशन ऑफ क्या टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स क्यों नहीं बताया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के जैसे कॉस इनवर्स एक्स है और इनका प्रूफ भी है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो वन बाय रूट में, वन बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा बबुआ, तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस वन बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसका पॉजिटिव है, उसका निगेटिव नहीं है। तो वन बाय रूट में, इसका भी वन बाय रूट में जाता है, वन बाय लेकिन एक्स आगे होता है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, डी बाय डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो माइनस वन बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसमें रूट की टर्म नहीं आती, इसका क्या होता है वन बाय, इसका क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स का होगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, वन बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन वन बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का वन बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और टेन इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से आप लोग। फिर इसके बाद में आप लोगों को क्या याद रखना है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि कब सब्स्टिट्यूट करना है। तो कुछ आप लोगों को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। स्टैंडर्ड क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फंक्शन रहेंगे, फंक्शन फिर यह एक्सप्रेशन रहेगा। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे मतलब पुट क्या करोगे। तो रूट में अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करो, या फिर एक्स की जगह ये कॉस थीटा पुट करो, जो पुट करना है तो पुट करो। तो रूट में अगर एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म अगर आगे है, सॉरी एक्स की टर्म आगे है तो गलत हो गया, ए की टर्म आगे रहेगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ए की टर्म आगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, ए की टर्म आगे रहेगी तो ये साइन थीटा, हाँ अगर एक्स की टर्म आगे भैया एक्स की टर्म आगे है और माइनस है, हाँ तो तब पुट करना किसके जगह, एक्स की जगह ए सेक थीटा, ठीक है, या फिर और में एक्स की जगह ए कोसेक थीटा, जो पुट करना चाहते हो करो, ठीक है, और कोई भी पुट करो। अगर प्लस है तो टैन पुट करना, प्लस है तो क्या पुट करना, टैन, प्लस है तो टैन पुट करना, एक्स की जगह ए टैन थीटा पुट करो, या फिर एक्स की जगह क्या पुट करोगे ए कॉट थीटा। ये रट लो अच्छे से, 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 ठीक है। अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ए की टर्म आगे रहेगी तो ये साइन थीटा, एक्स की टर्म आगे रहेगी तो ये सेक थीटा। अगर प्लस रहेगा चाहे एक्स आगे रहे चाहे ए आगे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर बोला मैंने आप लोगों के पास अगर स्क्वायर की टर्म नहीं है, अभी स्क्वायर की टर्म अलग हो, ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स है, ये देखो स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसके समय ऐसे समय एक्स जगह एक कॉस टू थीटा पुट करो, या फिर जस्ट एक्स जगह एक कॉस थीटा पुट करो, आप जो पुट करोगे वो चलेगा। टू थीटा पे पुट करोगे बन जाएगा काम, अगर सिंगल ये भी पुट करोगे तो बन जाएगा काम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है रूट में अगर स्क्वायर की टर्म है, रूट में स्क्वायर आ गया समझो ये इस तरह से, इस तरह से देखो स्क्वायर की टर्म, ओके सिंगल ये रेशो के फॉर्म में रहेगा, रेशो के फॉर्म में, तब आप लोग इस एक्स स्क्वायर के जगह, इस एक्स स्क्वायर के जगह ही आप लोगों को ए स्क्वायर कॉस टू थीटा पुट करना है, एक्स स्क्वायर के जगह। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर कॉस टू थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो वो तो बेसिक फार्मूला, आपको बेसिक फार्मूला याद कर लेना है, जो बेसिक फार्मूला की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक फार्मूला पार्ट वन, बेसिक फार्मूला पार्ट टू, पार्ट टू का वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको पूरा कंसेप्ट, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक फार्मूले पूरे कवर किए, अलाइड एंगल से लेकर सब कुछ है उसमें, सब कुछ ईच एंड एवरी वन। तो वो वीडियो देख लेना, आपको सभी बेसिक फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दो बार देखो, तीन बार देखो, फार्मूले की हो सके तो प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, ठीक है। तो ये आप लोगों के एक्सप्रेशन है और ये इधर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ इतने तो भी बेसिकली आप लोगों को याद करना है, इतने तो भी बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
हाँ तो बात करेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहला रूल है सम डिफरेंस रूल। क्या बोला मैंने? सम डिफरेंस रूल, सम डिफरेंस रूल, ठीक है, सम डिफरेंस रूल। तो सम डिफरेंस रूल में क्या है, अगर y इक्वल टू आपके पास दो फंक्शन है, u और v, दो फंक्शन है, चाहे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy / dx, डिफरेंशिएशन। तो y u का भी डिफरेंशिएशन होगा और प्लस माइनस v का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ये सम डिफरेंस रूल। अगर y इक्वल टू, अगर दो फंक्शन आपके पास बीच में प्लस या माइनस दिया होगा, या कितने भी फंक्शन होंगे बीच में प्लस या माइनस दिया होगा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन u का भी करेंगे और v का भी करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड है प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट रूल, जैसे कि y इक्वल टू यू और v, दो फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है, डिवाइड बाय dx जब करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा होता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है, सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा होता है, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। देखो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स उसके साथ में लगेगा, तो सेकंड जैसा का वैसा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों को रूल पता होना चाहिए। उसके बाद सी नंबर का रूल है, ये कोशेंट रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशेंट रूल। कौन सा रूल बोला मैंने? कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या बोलता है कि वाई इक्वल टू यू बाई वी, दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, और जब दो फंक्शन काय में होते हैं, डिवाइड में होते हैं भैया, दो फंक्शन काय में होते हैं, डिवाइड में होते हैं, दो फंक्शन क्या होते हैं, डिवाइड में होता है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy / dx। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, इसमें सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें प्लस आता है तो इसमें क्या आता है, माइनस आता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन और अपन में सेकंड का स्क्वायर। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखो आप लोग अच्छे से कि सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर है। तो ये रूल है डिफरेंशिएशन के। और डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ चैन रूल पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोला मैंने, चैन रूल, ये एक टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन, पहले इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, और बाद में और एक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन बोला मैंने, इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं सबका एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन मत लो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह से रहेगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये होगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ x और y दोनों की टर्म रहेगी, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, लॉग कब लगाने का, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा, x के ऊपर x रहेगा। देखो फंक्शन पावर इज द, फंक्शन इज द पावर ऑफ अनदर फंक्शन, जैसे कि x की पावर में sin x हो सकता है, sin x एक फंक्शन है जो x की पावर में है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। देखो यहाँ पे आपको लॉग का यूज करके बनाना पड़ेगा, या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे, x इंटू साइन x इंटू लॉग x, जब बहुत सारे फंक्शन टू से मोर देन टू फंक्शन आर इन प्रोडक्ट, तब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन का कोई टेंशन ही नहीं भैया, इनवर्स की वैल्यू रहेगी, इनवर्स जहाँ इनवर्स दिखेगा वहां पे आप लोगों को इनवर्स फंक्शन लगाना है। चैन रूल कब लगाना है, जब कंपोजिट फंक्शन रहेंगे। कंपोजिट फंक्शन किसे बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि वाई इक्वल टू साइन, साइन के अंदर लॉग एक्स बोल दिया, तो यहाँ लगेगा चैन रूल। तो यहाँ आप लोगों को चैन रूल लगाना है, क्योंकि लॉग एक्स इज अ फंक्शन, इज इंक्लूड इन अ फंक्शन ऑफ साइन, मतलब लॉग किसके अंदर है, साइन के अंदर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को चैन रूल लगाना है, इसमें आप लोगों को इनवर्स लगाना है, यहाँ आपको लॉगरिथमिक लगाना है, यहाँ आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करना है। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, तो आपके पास एक पैरामीटर दिया रहेगा, जैसे कि x इक्वल टू at का स्क्वायर
तो एक x एक फंक्शन रहेगा जो t के फॉर्म में डिफाइन रहेगा, और y एक फंक्शन रहेगा, ये भी किसके फॉर्म में डिफाइन रहेगा, t के फॉर्म में डिफाइन रहेगा। तो t जो पैरामीटर, यहाँ पे t क्या आई है, पैरामीटर। तो इस समय पैरामेट्रिक फंक्शन के सब जो dy by dx निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है dy by dt, आपको इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा। और लास्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन लास्ट का जो टॉपिक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर क्या डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंशिएशन इतने में कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इतने में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन इतने में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलो अभी अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो किसके स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन के स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अपने स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम जुनून के साथ में, जोश के साथ में, मजेदार एकदम खतरनाक तरीके से। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुआ कि हमारे पास एक x की वैल्यू निकालना है आपको, और x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, 1 और 2 के बीच की होना चाहिए। जो x की वैल्यू निकलने वाली है वो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच की होना चाहिए, और उसके लिए कंडीशन दी कि f डैश सिक्स जीरो दिया है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दिया है, आपके पास f डैश सिक्स जीरो दिया है, ये कंडीशन दी है। f डैश सिक्स बोले तो इसका डेरिवेटिव, f डैश सिक्स बोले तो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ क्या, f ऑफ x इक्वल टू जीरो होगा, f डैश सिक्स का मतलब। और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बोला तो f ऑफ x क्या दिया है, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे आप लोगों को बीच में क्या दिए, माइनस प्लस प्लस, सभी टर्म प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे सम डिफरेंस रूट लगाकर। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ गया, पावर से एक कम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो, और इक्वल टू जीरो। ओके ना, तो क्या होगा यहाँ से आप लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू निकालना है तो 3 2 6 प्लस 6 प्लस 6 के ऐसे फैक्टर गिरा जिसका एडिशन 6 हो ही नहीं सकता, 3 2 6 तो 3 और 2 कितना 5 6 हो ही नहीं सकता, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा। तो भाई फार्मूला मेथड पे लगा, तो भाई फार्मूला मेथड के हिसाब से, भाई फार्मूला मेथड के हिसाब से ये फार्मूला मेथड लगाओगे तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू माइनस 6 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अरे होगी ना, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 2। फार्मूला मेथड के हिसाब से माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में ट्वाइस ए, फार्मूला याद होगा आपको, ठीक है। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी लिए, माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर, तो माइनस छः का स्क्वायर 36, फोर ए सी, तो फोर चार थ्री बारह, बारह दो चौबीस, 24 अपॉन में ट्वाइस ए, तो बेतरी साहब ऐसे शॉर्टकट लिखना सीखो, ठीक है, और एक बात देखो, ये माइनस वाला ले सकते हैं, माइनस वाला क्यों ले सकते, क्योंकि तीन में से माइनस होगा, और तीन में से रूट थ्री गया तो दो से कम हो जाएगा, दो से क्या, थ्री प्लस थ्री माइनस रूट थ्री की वैल्यू कितनी थी, 1.73, इसको माइनस करोगे तो दो से बड़ा जाएगा, दो से कम नहीं आएगा, दो पॉइंट मतलब कितना आएगा, नहीं दो से कम नहीं आएगा, उसके बीच की जाएगा, तो थ्री माइनस आएगा, थ्री प्लस आएगा, तो थ्री प्लस प्लस माइनस वाला तो ऑप्शन दिया नहीं आपके पास, हाँ ऊपर से थ्री से डिवाइड कर रहे हैं ना, और थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो काम नहीं आएगा, नहीं तो 0.1 के आंसर में 1 और 2 के बीच की होना चाहिए, तो 1 से कम हो जाएगा वो, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3 प्लस रूट थ्री अपॉन में 6, ये x की वैल्यू 1.2 को बिलोंग कर रही है, देखो ये 1 को बिलोंग मतलब इसका आंसर 1, ये कितना था यहाँ पे 3 था, ये आपको गारंटी है
इसका आंसर 3 से बड़ा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट में तो 1 और 2 के बीच का रहेगा। लेकिन अगर 3 में से माइनस करोगे, 3 माइनस रूट 3 करोगे तो उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट आएगा। 0 पॉइंट बोला तो 1 से छोटा हो जाता है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको ओनली ये वाला आंसर आना है आपका कि ये जो रहेगा किसको बिलोंग कर रहा है, 1 2 को बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है जेई में 2013 में पूछा गया है, ठीक है। जेई में 2013 में हो रहा है, जेई में 2013 में हो गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया था जेई में 2013। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इक्वल टू सेक टैन इनवर्स एक्स बोल रहा है, बराबर है, वाई इक्वल टू सेक टैन इनवर्स एक्स। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा निकालना है, तो चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सेक देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सेक के अंदर टैन इनवर्स एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड बाय dx होगा, बराबर है। और सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec * tan, याद है कौन होगा, sec tan इनवर्स x, sec * tan, तो tan tan इनवर्स x, बराबर। और दोबारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स x का होगा। तो पहले डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, sec का होगा, तो sec का डिफ्रेंशिएशन sec * tan, तो tan इनवर्स sec के साथ में भी रहेगा, tan इनवर्स tan के साथ में भी रहेगा, बराबर है। अब आप लोग मुझे बताओ ये sec, इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप लोग, sec tan इनवर्स x जैसा का वैसा ही रहेगा, और tan tan इनवर्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि tan से tan कैंसिल, सॉरी x हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो मात्र बचेगा क्या, मात्र x बचेगा। अब आप लोग मुझे बताओ tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 / 1 + x² होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 / 1 + x² होता है। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू आप लोग ऊपर निकालना है। अब इसका आंसर मतलब निकाला, इसका कैलकुलेशन 1 / 2 समथिंग आना चाहिए, तो चलो देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो समझ लो, अब बताओ ये हमारे पास ऑप्शन दिया है कि ये ऑप्शन दिया है कि आपके पास नहीं दिया है, आपका आंसर क्या है, एक्स 1 / 1 + x² और sec tan इनवर्स x आया कि नहीं आया, इतना आंसर आया आपका। अगर ये आपका किसका क्वेश्चन नहीं होता, एमसीक्यूज का क्वेश्चन नहीं होता, तो ये हमारा आंसर होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अब इसको गायब करके आपको ये लाना है, तो चलो ये गायब कब होगा, तो भैया यहां tan है तो यहां tan होना चाहिए, या यहां sec है तो यहां क्या होना चाहिए, sec होना चाहिए, सॉरी यहां sec है तो यहां sec इनवर्स होना चाहिए, या यहां tan इनवर्स है तो यहां क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ tan x की मतलब क्या होता है, tan x का मतलब क्या होता है, tan x का मतलब क्या होता है, या sec x का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद होगा, sec स्क्वायर x माइनस क्या होता है, tan इनवर्स tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 + tan स्क्वायर x, हां कि नहीं, sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर x होती है, ठीक है। अब बात बताओ मुझे आप लोग बच्चे से, क्या बताओगे आप लोग कि अगर मैं बताओ यहाँ पे आप लोगों को पुट कर रहा हूँ किसके जगह, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, तो sec स्क्वायर x यानी क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर x होगा, तो sec x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 / 1 + बोलो बोलो tan स्क्वायर x होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग मुझे बताओ अगर मैं इसकी जगह y पुट करता हूँ, किसकी जगह, tan x की जगह क्या पुट करता हूँ, y पुट करता हूँ, tan x की जगह y पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y होगी कि नहीं होगी, अरे x होगी कि नहीं होगी, एक बात बताओ मुझे आप लोग, tan x की जगह अगर आप लोग 1 y पुट करते हो तो x की जगह क्या होगा, tan इनवर्स y होगा। अगर मैं इनको y के फॉर्म में लिखूंगा तो आपको आसानी होगी समझने के लिए, मैं y के फॉर्म में लिखता हूं इनको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1, sec स्क्वायर y की वैल्यू 1 + tan स्क्वायर, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो sec y यानी क्या होगा आप लोगों के पास, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये तो बात क्लियर है। फिर मैंने बोला tan y की जगह आप लोग x पुट करो, पुट कर दिया, पुट कर दो ना, कौन सी बड़ी बात है, tan y की जगह x पुट कर दो, मुझे x लाना है, ओके। अब अतः मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू क्या होगी बबुआ, tan इनवर्स x होगी कि नहीं होगी, y की वैल्यू tan इनवर्स x होगी। तो बताओ क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, sec इस y की जगह, देखो इस y की जगह, इस y की जगह tan इनवर्स x लिखोगे, देखो 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 sec tan इनवर्स x लिखोगे,
लिखोगे वाई के जगह सिर्फ टेन इनवर्स रूट में वन प्लस इस टेन स्क्वायर वाई के जगह टेन वाई की वैल्यू एक्स है तो टेन स्क्वायर वाई की जगह एक्स स्क्वायर, मतलब आप लोग सिर्फ टेन इनवर्स एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो आज के बाद अलग ना, सिर्फ टेन इनवर्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो हाँ लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फंडा समझ में आया होगा और बहुत आसान है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। sec स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई इक्वल टू वन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से, sec स्क्वायर वाई इक्वल वन प्लस tan स्क्वायर वाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से स्क्वायर रहेगा तो रूट में जाएगा। अब मुझे बताओ आप लोगों को क्या करना, tan वाई की जगह x पुट करोगे, यहाँ पे tan वाई की जगह x पुट करोगे तो इस y की वैल्यू क्या होगी, इस y की वैल्यू होगी, इस y की वैल्यू होगी, इस y की वैल्यू होगी tan इनवर्स x होगी। y y का क्या होगा, tan उधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। तो इससे अब आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे, देखो अगर आप लोगों को मैंने देखा फॉर्मूला बता रहा हूँ, sec tan inverse x रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, sec और tan का 1 प्लस क्या होगा, x स्क्वायर, क्योंकि sec का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, sec का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आप लोग पूछोगे cosec क्या लिखोगे, cot inverse x रहेगा, तो इससे भी ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर ही बनेगा। हां सिंपल सी बात है, यस आर नो, यस आर नो। हाँ अगर लेकिन tan इनवर्स, मैंने बोला tan sec इनवर्स बोला तो क्या बन जाएगा, तो 1 x स्क्वायर माइनस 1 होगा रूट में x स्क्वायर माइनस 1, देखो क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि tan ये बन जाएगा इधर आएगा ये तो sec स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो लॉजिक वाला फंडा समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दे दो, अच्छे से समझ लेने की कोशिश करो। तो क्या होगा, x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और इसके जगह क्या पुट करोगे, रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, रूट में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा x स्क्वायर होगा। हाँ और मुझे ये जो निकालना बबुआ, ये निकालना है डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, क्या पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, x इक्वल टू क्या पे निकालना है, 1 पे निकालना है, ठीक है x इक्वल टू 1 पे। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे ये x से कट गया तो क्या बचेगा, x अपॉन में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, फिर एट काय पे x इक्वल टू 1 पे निकालो तो डिवाइड बाय dx काय पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 बाय रूट 2, और 1 बाय रूट 2 बोलते विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं और एक बार दिमाग लगा के सोच रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पुट कर दूँ तो, अगर मैं x के लिए यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूँ तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आप लोग ट्राई करके देखो, बोला 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये sec क्या होगा, tan इनवर्स 1, हाँ बन जाएगा, जहाँ पे बन जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड बाय dx, यहाँ पे x इक्वल टू 1 बोला, बराबर है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, निकालना है कहाँ पे निकालना है, मेरे को x इक्वल टू 1 पे आप लोगों को निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पे बोला तो जहाँ x से मार्क क्या होगा बताओ, 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर और sec tan इनवर्स कितना होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 1 बाय 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस sec बोला sec tan इनवर्स बनाने क्या होता है, pi बाय 4, 1 किसकी वैल्यू होती है, pi बाय 4, तो ये tan pi बाय 4 की tan से tan इनवर्स कैंसिल तो pi बाय 4 बचेगा, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, क्या होती है, रूट 2 होती है, 2 से 1 कैंसिल तो आंसर क्या बचेगा, 1 बाय रूट 2, वैसे क्या है, आप डायरेक्ट भी पुट करोगे तो आएगा, ये तांता नहीं भी लगाओगे आपको डायरेक्ट डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू 1 पे, यहां पे भी डायरेक्ट आप लोग एट x इक्वल टू 1 पे लगा सकते हो, तो एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे जहां x वहां 1, जहां x वहां 1, यहां tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 pi बाय 4 की वैल्यू 45 की, और sec 45 वैल्यू रूट 2, ये आपका 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, दैट्स बेस्ट, ठीक है। हाँ तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो जेई में 2019 में पूछा गया है, जेई में 2019 की तरफ में पूछा गया है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, टी एक पैरामीटर है, ठीक है। तो हमको डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर निकालना है, तो डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर निकालने के पहले आपको डीवाई बाय डीएक्स निकालना पड़ेगा, और डीवाई बाय डीएक्स क्या होगा, डीवाई बाय डीटी, तो शॉर्टकट मारो डीवाई बाय डीटी अपॉन में डीएक्स बाय डीटी होगा पैरामीट्रिक फंक्शन में, अरे होगा कि नहीं होगा, तो डी बाय डीटी आप लोग डी बाय डीटी, वाई का डेरिवेटिव क्या है, वाई में कौन है, 360 का सेक्टी का डेरिवेटिव करो, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाय डीटी, एक्स में कौन है, 3 tan t, तो 3 कॉमन निकलेगा, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्टी इंटू
tan t, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा और tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec square t, x x x से कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा tan t और अपॉन में क्या बचेगा sec t बचेगा। तो tan का मतलब क्या होता है sin by cos, sin t by cos t, cos t, और sec का मतलब क्या होता है 1 by cos t, cos से cos कैंसिल, तो ये आपका dy by dx निकल गया क्या sin t। लेकिन आपको dy by dx में इंटरेस्ट नहीं है, आपको dx स्क्वायर by dx स्क्वायर करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x by both side करोगे, x by both side करोगे तभी बनेगा, ऐसे ही बनेगा। फिर से वाली चीज करो dy by dx यानी dy by dt अपॉन में dx by dt, तो d by dt y के वैल्यू 3 sec t, x के वैल्यू 3 tan t, 3 कॉमन sec का sec into tan, 3 कॉमन tan का sec स्क्वायर। तो देखो ये जो जो x का डेरिवेटिव इसके इसके पे फोकस करना, ये बहुत काम में आने वाला है, आगे आप लोगों को काम में आने वाला है, जब अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तब काम में आएगा। तो क्या होगा इसका, इसका मतलब d by dx इधर भी आएगा, d by dx की तरफ भी आएगा, और d by dx किसकी तरफ आएगा sin t की तरफ भी आएगा, तो इसका d स्क्वायर y dx का स्क्वायर तो हो जाएगा जो आपको निकालना है, sin t का cos t हो ही जाएगा, लेकिन दोबारा t का होगा, तो d by dx किसका होगा t का डेरिवेटिव होगा, तो dt by dx होगा, साइन का कॉस्ट तो हो ही जाएगा, दोबारा टी का बन नहीं होगा, वो होगा डी टी बाई डी एक्स, और आपको डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स डी टी का उल्टा। तो देखो आप लोग डी स्क्वायर कॉस्ट जैसा का वैसा, डी टी बाई डी एक्स यानी क्या होगा इसका उल्टा, किसका उल्टा, तो 3 sec स्क्वायर टी का उल्टा, तो 3 sec स्क्वायर टी का उल्टा क्या होगा 1 बाई 3 sec स्क्वायर टी, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों के पास डी एक्स बी टी दिया है, देखो डी एक्स डी टी कितना निकला है 3 sec स्क्वायर टी निकला है, यही तो निकला है थ्री क्या sec स्क्वायर टी निकला। आप लोग यहां से भी देखो कि dx / dt यानी 3 tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर टी, तो इसका उल्टा करोगे dt / dx करोगे तो ये आपका क्या निकलेगा 1 / 3 sec स्क्वायर टी निकलेगा। तो 1 / sec स्क्वायर यानी क्या होता है, 1 / sec स्क्वायर नहीं होता cos, cos स्क्वायर टी अपॉन में 3, तो 1 / 3 क्या होगा 1 / 3 cos क्यूब टी होगा, ये आपका d स्क्वायर dx का स्क्वायर निकलेगा। लेकिन मुझे क्या पे निकालना है t equal to pi by 4 पे निकालना है, तो at t equal to pi पे pi by 4 पे क्या होगा t equal to pi by 4 पे d square y dx का स्क्वायर क्या होगा 1 by 3 cos cube pi by 4, और cos 2 बोला cos 2 pi by 4, तो cos pi by 4 के लिए 1 by root 2, तो 1 by root 2 का क्यूब होगा 1 by 3 1 by root 2 का क्यूब होगा, तो आंसर आपका होगा 1 का 1 जैसा का वैसा, 3 जैसा का वैसा, रूट टू का क्यूब, तो रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू टू, टू रूट टू होगा, फिर तो आंसर 1 बाय 6 रूट टू, 1 बाय 6 रूट टू है क्या, तो हाँ है डी ऑप्शन। 1 बाय 2 रूट टू क्यों है समझा ना, ये 2 रूट टू क्यों है, रूट टू का क्यूब मतलब, रूट टू का क्यूब मतलब क्या समझता है ना, रूट टू का क्यूब मतलब रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू रूट टू टू रूट टू होगा। ओके ये बात आप लोगों को याद रखना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जेई में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास एक फंक्शन दिया है x log e बेस में, log x बेस में e कैसा दिया है, अब माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, आपको डिवाइड बाय dx निकालना है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखो x और y दोनों साथ में दिए, कैसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहां तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, डेरिवेटिव किसका होगा तो लॉग लॉग एक्स बेस ई का होगा ये, प्लस एक्स लॉग लॉग एक्स बेस में ई, और बेस में ई वाला जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। ओके अब क्या होगा, आप इसको इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, लॉग बेस ई log x बेस में, इसको सिंपल फॉर्म में सिंपलीफाई कर सकते हो, कैसे, आप लोगों को एक फार्मूला बताया था याद है आप लोगों को, log m बेस a, log m को भी जाता, log m को भी जाता, ये फार्मूला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसको चलो सिंपलीफाई करके देखो भला क्या होता है, तो log log x बेस e को भी जाएगा और अपन में log e को जाएगा, log log इसको भी जाएगा log e को भी जाएगा, तो log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसका क्या होगा log x को भी जाएगा और log e को भी जाएगा, और ये log log के लिए बन जाएगी,
ये लॉग ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, वन। लॉग एक्स अपॉन में कौन हो जाएगा, बोले तो लॉग लॉग एक्स चाहिए। इसका मतलब इसका सिंप्लीफाई क्या है, लॉग लॉग एक्स है। मतलब आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसका मतलब बच आप लोग लिख सकते हो x इंटू लॉग लॉग एक्स। कितना आसान हो जाएगा तुझे को बोला, अरे ऐसा ना, हाँ कि ना, इसका मतलब लॉग लॉग एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि लॉग मतलब इसका लॉग बेस ही वन हो जाएगा, लॉग ही वन हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में लॉग ही नहीं क्या, जब इसका मतलब क्या होता है, लॉग इसको भी जाएगा लॉग ही हो जाएगा, और लॉग ही की वैल्यू वन हो जाती है, इसका मतलब लॉग एक्स को भी जाएगा अपॉन में लॉग ही होगा, लॉग ही की वैल्यू वन हो जाएगी, तो लॉग लॉग एक्स होगा, ठीक है। अब इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स जैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय लॉग एक्स, और दोबारा लॉग एक्स का कितना होगा, वन बाय एक्स, फिर प्लस ये लॉग लॉग एक्स जैसा का वैसा, लॉग लॉग एक्स जैसा का वैसा, और इस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन। एक्स स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स होगा, और वाई स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस वाई, और दोबारा वाई का डिवाइड बाय डीएक्स, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप समझ में आई होगी। सर ने क्या किया, सर ने क्या किया, एक्स जैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव वन बाय लॉग एक्स, इस लॉग एक्स का वन बाय एक्स, फिर लॉग लॉग एक्स जैसा का वैसा, एक्स का वन, यहाँ लगा दिया मैंने इतने में प्रोडक्ट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, और वाई का डिवाइड बाय डीएक्स, ये कांस्टेंट अकेला है तो जीरो हो जाएगा। फिर आपको मैंने बोला था डिवाइड बाय डीएक्स की टर्म को कलेक्ट करना है, जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स अपॉन में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, वन बाय लॉग एक्स, देयरफॉर का साइन देखिए, वन बाय लॉग एक्स, और प्लस क्या होगा, लॉग लॉग एक्स, बराबर है, और ये क्या होगा, माइनस ट्वाइस एक्स, और प्लस क्या होगा, ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, इसको जगह पर रखेंगे तो ट्वाइस वाई, ट्वाइस वाई क्या, ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स जगह पर रखेंगे, ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स जगह पर रखेंगे, और क्या होगा, और क्या होगा, ये माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस एक्स होगा, माइनस वन बाय लॉग एक्स होगा, और प्लस माइनस होगा लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू कैसे निकाले, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो मैं भी करोगे फिर भी चल जाएगा। अब बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू ई की बात करेंगे, एट एक्स इक्वल टू किसकी बात करेंगे, ई की बात करेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू ई बीएस को पूछो कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतना, हाँ तो मुझे डिवाइड बाय डी एक्स कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू ई पे निकालना है, तो एट एक्स एक्स इक्वल टू ई पे, ध्यान दो अच्छे से, एट एक्स इक्वल टू ई पे, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ई पुट कर दोगे, या तो नहीं लिख सकते आप लोग, ट्वाइस बाय डिवाइड बाय डी एक्स को छेड़ना ही नहीं आप लोगों को, ठीक है, इधर x होगा वहां e लिखोगे तो ट्वाइस e होगा, माइनस वन बाय लॉग e होगा, बराबर है, और ये माइनस लॉग लॉग e होगा, बराबर है, लॉग e की वैल्यू वन होती है, फिर ट्वाइस y डिवाइड बाय डी जैसा का वैसा, ये ट्वाइस e जैसा का वैसा, लॉग e की वैल्यू वन, माइनस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉग e की वैल्यू वन और लॉग वन जीरो होता है, मतलब ट्वाइस y डिवाइड बाय डी जैसा का वैसा, ये हो जाएगा ट्वाइस e माइनस वन और माइनस जीरो हो जाएगा, तो डिवाइड बाय डीएक्स जो होगा आपका ये ट्वाइस ई माइनस वन अपॉन में ट्वाइस वाई होगा, ट्वाइस ई माइनस वन अपॉन में ट्वाइस वाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये आपका ऑप्शन है क्या दिया गया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल नहीं दिया, तो आपको इस वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, उस वाई की वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा, इस वाई की वैल्यू कब निकालोगे, तो एट एक्स इक्वल टू ई पे, देखो ध्यान दो, एट एक्स इक्वल टू ई पे, तो वाई की वैल्यू इससे निकलेगी, ये आपका वी वन, एट एक्स इक्वल टू ई पे, ये क्या होगा बताओ, ये चले कौन, ये चले कौन, ये वाला, तो देखो x की जगह जहां जहां ई है तो यहाँ पे ई पुट कर दो, एट एक्स इक्वल टू ई पे आपका x की जगह ई आएगा, ये क्या होगा, log log ई होगा, बराबर प्लस ई का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू फोर होगा, तो एट एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ इसको यहाँ पे समझने के लिए आपको, नहीं क्या ये ऐसा, क्योंकि y की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो y की वैल्यू आपको x की जगह ही पुट करके निकालोगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये log की वैल्यू वन के पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि log की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखो e into log 1 plus e का स्क्वायर plus y का स्क्वायर इक्वल टू 4,
तो बताओ क्या होगा, ये पूरा जीरो, ये वाई स्क्वायर, ये फोर माइनस ई स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रहेगा तो कहाँ में जाएगा, रूट में जाएगा, रूट में जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में फोर माइनस ई का स्क्वायर, तो ये वाई के लिए आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा डीवाई बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई माइनस वन अपॉन में ट्वाइस ऑफ क्या होगा, रूट में फोर माइनस ई का स्क्वायर, फोर माइनस ई का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फोर माइनस ई का स्क्वायर, कहाँ गड़बड़ हो गया, प्लस है कि माइनस है, माइनस है सॉरी, ये माइनस है, माइनस ये माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्लस। और देखो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, वन प्लस ट्वाइस ही नहीं, ट्वाइस से माइनस वन, ट्वाइस से माइनस वन, फोर टू फोर प्लस इक्का स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो विच ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। एक बार रिपीट करता हूँ, ऊपर ऊपर देख लो आपके पास ये, इसको सिंप्लीफाई किया कैसे, क्या सिंप्लीफाई तो आप लोगों को पता है कैसे सिंप्लीफाई किया, ये मेरा काम की चीज़ है, ये वाली यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल, यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, ओके डिवाइड बाय इसको जगह पर रख दिया, ये वन बाय लॉग एक्स, ये लॉग लॉग एक्स, ये जगह पर रख दिया, ये माइनस उधर गया प्लस, ये प्लस उधर गया माइनस, ये प्लस उधर गया माइनस, लेकिन मुझे एक्स इक्वल टू ई पे निकालना है, तो जहाँ एक्स एम आई, जहाँ एक्स एम आई, जहाँ एक्स एम आई, लॉग की वैल्यू वन, लॉग वन का वैल्यू जीरो, ये वन बाय वन हो जाएगा, ट्वाइस ही होगा, डिवाइड बाय डीएस किलो टू ई माइनस वन अपॉन में ट्वाइस वन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपको वाई की वैल्यू निकालना है, तो वाई की वैल्यू कब निकालोगे, एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे वाई की वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, ई का पावर वाई इक्वल प्लस एक्स वाई, ई का पावर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई, ऐसा क्वेश्चन दिया आपके पास, तो की थी हमारी, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ ठीक है, ई का पावर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई हमारे पास दिया है, ई का पावर वाई दोबारा वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ ठीक है, तो ई का पावर वाई का ई का पावर वाई, वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, और कहाँ गड़बड़ हुई थी वो भी बताऊंगा ठीक है, एक जैसा का वैसा, वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, फिर वाई जैसा का वैसा, एक्स का वन और कॉन्स्टेंट का जीरो, यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल, ई का पावर वाई का ई का पावर वाई, वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक जैसा का वैसा, वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई जैसा का वैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा और कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो ई का पावर वाई प्लस एक्स, इस एक्स को मैं उसके पावर में लिखा था जरूर, इसलिए गड़बड़ हो गई, ये पावर में नहीं, ये प्लस एक्स है ठीक है, सेपरेटेड, और ये प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, तो डिवाइड बाई डी एक्स को डिवाइड में भगा दिया, तो एक्स को पहले लिख दिया, ई का पावर वाई को बाद में लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूट, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस थर्ड जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन में सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस ई का पावर वाई जैसा का वैसा, जब भी देखो आपने ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स लिखे तो गड़बड़ हो गया था, ये एक्स प्लस ई का पावर वाई आना चाहिए ठीक है। अब बताओ क्या होगा, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस डिवाइड बाई डी एक्स होगा, माइनस डिवाइड बाई डी एक्स होगा, माइनस क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स होगा ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ई का पावर वाई का ई का पावर वाई, और दोबारा वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, और अपॉन में आप लोग देखो अच्छे से, एक्स प्लस ई का पावर वाई पूरे का होल स्क्वायर ओके। अब आप लोग डिवाइड बाई डी एक्स के लिए आप पुट भी कर सकते हो, नहीं पुट करोगे कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब बताओ आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे इसको, आपका कैंसर बन जाएगा, या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, नहीं भी पुट करोगे तो भी चलता है ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये माइनस आगे लिख दिया मैंने, एक्स प्लस ई का पावर वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है वैसे भी, ये वाई जैसा का वैसा प्लस वाई जैसा का वैसा, वन प्लस ई का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, ये और अपॉन में क्या होगा, एक्स प्लस ई का पावर वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब बता सबसे पहले आप लोग एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालना है, तो वेन एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स का इसको निकाल दिया, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तो वाई की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तो क्या होगा, ई का पावर वाई, तो देन तब फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना एक्स को, तो ई के पावर वाई कैसा का वैसा, एक्स की जगह जीरो इंटू वाई प्लस इक्वल टू ई लिखोगे, तो ई का पावर वाई इक्वल टू ई बचेगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं बन जाता, तो इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन क्या पे निकालना है, नाउ मुझे डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है, नाउ डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है, काय पे, नाउ एट ए काय पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे और वाई इक्वल टू वन पे,
आपका डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा? तो डिवाइड बाय डीएक्स कुछ नहीं होगा, यहाँ वाई के जगह वन पुट करोगे, वाई के जगह वन पुट करोगे, एक्स की जगह जीरो लिखोगे और ई का पावर वन होगा, मतलब आपका आंसर माइनस वन बाई यू होगा। अब आप लोगों को बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से अभी, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है? वो भी निकल जाएगा अभी। एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी और वाई की वैल्यू वन रहेगी तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? तो माइनस एक्स की जगह जीरो ई का पावर वन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई ई का पावर माइनस वन बाई ई प्लस वाई की जगह वन वन प्लस ई का पावर वन, ये देखो ये वाला, और ये कितना होगा? माइनस वन बाई यू होगा। बराबर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे में क्या होगा? जीरो प्लस ई का पावर वन पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ये इसी ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन बचेगा प्लस वन, वन प्लस इसी ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वन बचेगा माइनस वन, तो अपॉन में क्या होगा? ई का स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस वन होगा, ये वन जैसा का वैसा, वन में से बन गया जीरो अपॉन में ई का स्क्वायर, बोले तो वन प्लस जीरो ई का स्क्वायर, बोले तो वन बाई ई का स्क्वायर। तो विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपका डिवाइड बाय डीएक्स और डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर क्या निकल गया आपका ऑप्शन? ये माइनस वन बाई ई निकला और ये वन बाई ई का स्क्वायर निकला। जब भी मिस्टेक हो गई थी वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ा सा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो ये आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन काफी है, क्योंकि आज हमने थ्योरी क्वेश्चन में देखे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखे थे, कल के वीडियो में इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? 1 आवर में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है? तो कवर करेंगे और मैं कुछ होमवर्क भी भेजूंगा, नीचे वीडियो के नीचे लिंक रहेगी, लिंक में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।